जब सीता जी का जब रावण अपहरण कर लेता है तो उस समय भगवान श्री राम के सेना में खलबली मच जाती है, समझ लो। और उस समय एक से एक सब योद्धा पड़े थे, तो उस समय बंदरों को आदेश देते हैं भगवान श्री राम की हर दिशा को एकदम मतलब चारों ओर से पता कर लो कि कहाँ गई सीता माता। लेकिन सीता माता का पता कहीं चला ही नहीं, समझ लो। तो जब थक करके हार करके सारे बंदर कहाँ चले गए, समुंदर के पास चले गए। और समुंदर पर जा करके वहीं पर लगे सब मतलब सोचने कि अब क्या करें, लगता है घर जाना ही पड़ेगा खाली हाथ। सीता माता कहाँ गायब हो गई, तो वहाँ पर एक जटायु का नाम सुने हो, जटायु कौन जटायु था बताओ। जटायु ने उससे युद्ध किया था ना, किससे, जब सीता माता को लेकर जा रहा था रावण, तो उसने उनसे युद्ध किया था। वो दशरथ का मित्र था, सीता माता दशरथ की कुलवधू थी, तो उसने युद्ध किया और रावण से फाइट किया बहुत अच्छे से, रावण को परेशान किया। लेकिन रावण के पास महादेव का चंद्रहास तलवार था और उसी से उसका क्या कर देता है, वध कर देता है। तो वहाँ पर उसी का जटायु का बड़ा भाई संपाति था समुद्र के पास, वो बाज था। जटायु क्या था, गिद्ध था ना, बाज। और बाज की जो दृष्टि होती बहुत तेज होती है, उनके पास ना गैलीलियो का टेलीस्कोप होता है, क्या होता है उसके पास क्या होता है ना, अब क्या था ना, अरे नहीं बात समझोगे, अब क्या है ना कि ये जितनी भी सेनाएं थी सब जाकर समुद्र के पास रुकी थी, तो बगल में संपाति था, तो संपाति था तो जटायु का बड़ा भाई था, बाज था। वो बोला क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो आप लोग। तो उसे बताते हैं कि देखो तुम्हारी दृष्टि बहुत तेज है, तुम्हारे में टेलीस्कोप लगा है, ये जो हाई टेलीस्कोप है तुम्हारा, तो तुम थोड़ा सा अपनी दृष्टि से देख करके बताओ ना कि सीता माता कहाँ पर है, तुम बहुत दूर तक देख सकते हो। तो वहीं देखता है और लगाता है किसका टेलीस्कोप, गैलीलियो का, और लगाता है ना एकदम साइंस। और इसके बाद तो दिखी जाती है सीता माता कहाँ रहती है, लंका में अशोक वाटिका के नीचे रो रही होती हैं अपने स्वामी श्री राम के लिए। तो क्या होता है, अरे सुनो यार, तो अब क्या होता है कि नहीं, तो बता रहे कहानी पूरा सुनो ना। तो अब क्या होता है कि अब इधर से बोलते हैं भाई समुंदर के उस पार कौन जाएगा, समुंदर के उस पार तो लंका यार बहुत दूर है, बहुत दिक्कत है। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर बोला जाता है एक जामवंत थे, एक भालू जैसा थे, रामायण में देखे हो, हम लोग बचपन में उनको देख करके हंसा करते थे कि कौन भालू है कि नहीं, वो बहुत महान आदमी हुए, बहुत बुद्धिमान हुए जामवंत जी। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी को ना एनर्जी बूस्टर देना पड़ता था, क्योंकि हनुमान जी अपनी ताकतों को भूल गए थे ना, वो भूल गए थे, उनको श्राप मिल गया था कि आप अपनी ताकतों को भूल जाएंगे, जब कोई याद दिलाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि नहीं आप ताकतवर शख्स हैं। तो जामवंत जी उनके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं और उनको समझाते हैं कि अरे हनुमान जी आप डर रहे हैं, आप तो पूरी मतलब कायनात को तैर कर निकल जाएंगे, समंदर क्या है। तब हनुमान जी के अंदर आता है जोश एकदम, अब हनुमान जी बोलते हैं कि अब सही बोल रहे हो, हमारे अंदर वो ताकत है। और हनुमान जी आ जाते हैं लय में और उड़ान भरते हैं, और जब उड़ान भरते हैं तो वो हनुमान जी सीधे लंका में पहुँचते हैं, बहुत लोगों से फाइट करते हुए निकलते हैं, एक लंकिनी थी जो गेट पर खड़ी थी उसको भी मारते हुए निकल जाते हैं। आदेश था कि लंकिनी को जो मार देगा ब्रह्मा जी का, वो समझ जाना कि रावण का विनाश होने वाला है। लंकिनी जो थी ब्रह्मा जी के वरदान से वहाँ खड़ी थी, उसको कोई मार नहीं सकता था, उन्होंने एक घुसा मारा वो गिर गई। इसका मतलब समझ गए, एंट्री मारी ना विलन की तरह, हीरो की तरह हमारी एंट्री एक ही नहीं। तो हनुमान जी जब अंदर चले गए ना, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जाते हैं देखते हैं तो अशोक वाटिका में पहुँचते हैं ना, कहाँ पर बताओ, उसमें छोटे से वेश में गए थे, क्योंकि वहाँ पर सब बहुत राक्षस थे, दानव थे सब ना, तो बड़े वेश में जाकर सब देख लेंगे, एकदम छोटे से वेश में गए थे। तो सीता माता अशोक वाटिका के नीचे रो रही थी स्वामी के लिए कि स्वामी कब आएंगे। तो देखे तो उनको बहुत दुख हुआ कि सीता माता रो रही हैं। तो जाते हैं तो बोलते हैं कि देखिए हम भगवान श्री राम के दूत हैं, राम दूत में मां तो जानकी सत्य शपथ करूँ करुणा निधान की। तुलसीदास बोले रामचरितमानस में कि उनको बोलते हैं कि देखिए मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। तो उनके पास सीता माता के पास रोज वैसे दूत आते थे, तो उनका भरोसा उड़ गया था। तो बोले कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो, तुम दूत नहीं हो सकते भगवान श्री राम के, तुम्हारे स्वामी के दूत नहीं हो। तो बोलते हैं वही बात ना कि राम दूत मैं मातो जानकी असत्य शपथ, मैं उनका शपथ लेकर बोलता हूँ माता कि मैं उन्हीं का दूत हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, तो उनको भरोसा नहीं होता है, तो वही मुद्रिका देते ना हनुमान जी, जब मुद्रिका देते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ हाँ ये तो मतलब स्वामी का ही दूत है। तो वहीं बोलते हैं कि घबराइए मत माता जी, हम लोग पूरी पलटन के साथ वहाँ पर खड़े हैं समंदर के इस पार, अब बहुत जल्द ही अटैक करने वाले हैं, अभी जा रहे हैं रावण को समझाएंगे, उसकी बुद्धि को ठीक करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे। अगर मान गया रावण, अगर मान गया तो सही है, अगर नहीं मानेगा बुद्धि से तो बल का प्रयोग करेंगे, हनुमान जी बोलते हैं। तो अब घबराइए मत, हमको देख रही हैं कि नहीं, हमारे जैसे योद्धा एक नहीं है लाखों में हैं। तो उस समय हनुमान जी छोटे थे, छोटे से वेश में गए थे, वो भूल गए थे अपना एक्चुअल रूप कैसा था। तो सीता माता बोलती है तुम्हारी जैसा, तब क्या आपको क्या लग रहा है हमारे जैसा, देखिए तो हनुमान जी छोटे थे। बोले हाँ, तब सीता जी को डाउट होने लगता है सीता माता को कि ये क्या मतलब नाटक हो रहा है। तो कहते हैं कि तब तो तुम लोग छोटे छोटे हो, ये सब तो दानव है, सब तुम लोग खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, इतने छोटे छोटे हो और तुम लोग फाइट करोगे इनसे,
तो वहीं हनुमान जी है कि नहीं, कनक भद्राकार शरीरा, बात समझे ना, उन्होंने क्या किया ना कि अपने शरीर को बहुत, वो बोलती है ना कि मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर भी प्रकट किए निज देहा। सीता माता बोलती है कि मोरे हमारे हृदय में बहुत संदेह हो रहा है, क्या हो रहा है, संदेह, और सुनकर भी प्रकट किए निज देहा कनक भद्राकार शरीरा। ये सुनते ही क्या होता है ना कि वो अपने देह को, अपने शरीर को इतना बड़ा कर देते हैं, हिमालय पर्वत की तरह विशाल कर देते हैं कि जब सीता माता उस रूप को देखती है ना तब डरने लगते हैं, उनके अंदर एक विश्वास अब आ जाता है कि नहीं अब ये लोग फाइट कर सकते हैं। तो वहाँ हनुमान जी से सीखने से ये मिलता है कि हमें अपनी ताकत को किसी को डराने के लिए नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को उसके अंदर का जो डर बना हुआ है उस डर को दूर करने के लिए दिखाना चाहिए। सीता माता डर रही थी कि नहीं आप लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी ताकत को दिखा करके उनको सांत्वना दे दिए कि नहीं हम लोग भी फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि लोग जाते हैं अच्छी खासा जिम में, बॉडी बनाएंगे और बॉडी बनाकर 10-5 लोगों को दिखाएंगे कि हमको देख के लोग डरे हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन वो अपनी ताकत को दिखाएं क्यों, डराने के लिए, उनके अंदर का डर को दूर करने के लिए, अंदर के डर को दूर करने के लिए। अब सीता माता को विश्वास हो जाता है कि नहीं ये लोग फाइट कर सकते हैं। अब हनुमान जी अपने रूप में आते हैं तो बोलते हैं कि हमें आदेश दीजिए, और तो बोलते हैं कि ठीक है लेकिन अभी ऐसे तो जाऊंगा नहीं, मैं बंदर हूँ स्वभाव से, बंदर हूँ तो ये पेड़ पौधे जितने सब उखाड़ कर फेंकूंगा ना, अब फल खाऊंगा क्योंकि बंदर का स्वभाव ही होता है, फल वल खाए बिना हम जाऊंगा नहीं, असल ये सब जितना है सब अच्छे से सजा है ना अशोक वाटिका, इसकी पूरी सजावट को बिगाड़ कर जाऊंगा। तो लगते हैं उत्पात मचाने, कौन, हनुमान जी, अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचाते हैं कि भेजना पड़ता है रावण को अपनी सेना। तो कई सारी सेनाएं आती हैं, चतुरंगड़ी सेना आती है ना, रथ सवार, घुड़सवार, पैदल सवार, हाथी सवार, कई सारी सेनाएं आती हैं, सबको फाइट करके सबको हरा देते हैं, कोई बचता नहीं है। अंत में अक्षय कुमार उसका बलशाली पुत्र उसको भी मार देते हैं हनुमान जी, और तब मेघनाथ को, जो मेघनाथ बहुत बलशाली पुत्र था उनका, उसको भेजता है रावण। तो वो मेघनाथ जब इनसे फाइट होता है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है, हनुमान जी इतने ढीठ आदमी थे कि ब्रह्मास्त्र भी पकड़ लेते, क्योंकि उनको वरदान था ना हनुमान जी को, ब्रह्मास्त्र को भी पकड़ लेते हाथों से, लेकिन ब्रह्मा जी का अस्तित्व फिर कम हो जाता है, ब्रह्मा जी के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने आप को कैद कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र में। अतः मेघनाथ इनको पकड़ कर लेकर जलता है, खूब गुस्से में रहता है मेघनाथ, बोलता है इसने बहुत उत्पात मचा दिया इस बंदर ने। आज जब हनुमान जी को जब रावण के सामने जब लेकर प्रस्तुत किया जाता है तो लंकावासी देख कर बहुत हंसते हैं कि बंदर आया, लंका में पहली बार बंदर आया, क्योंकि सब बंदर कभी देखे नहीं थे लंकावासी, होता है ना गाँव में बंदर आया, वो सब मानव थे ना, राक्षस थे, बंदर थे नहीं, सब तो बंदर देखे पहली बार हंस रहे थे, सब बंदर आया। तो क्या हुआ ना कि आदित्य बात सुन रहे ना कि नहीं, तो क्या होता है कि रावण के सामने जब हनुमान जी खड़े होते हैं तो रावण का जो तेज था उसको देख करके हनुमान जी भी दंग हो जाते हैं, पैर के नीचे कुबेर थे जो धनपति थे, पैर के नीचे थे, देवताओं को कैद किया था, ऋषि मुनियों को सब कैद करके रखा था, रावण का वो जलवा था कि उस समय मतलब जब बैठे बैठे उसके पास कंट्रोल सिस्टम था, पानी बरसाना था वरुण को फ़ोन कर देता था पानी बरसा दो, पवन देवता को आदेश देता कि घर में झाड़ू पोछा करने के लिए वो सब नहीं आएंगे, वो आदेश देता था पवन देवता को बह जाओ, बह जाते थे और पूरी सफाई हो जाती थी, मतलब हर तरह से काम करवाता था देवताओं से, समझ लो वो रावण था। तो हनुमान जी बोले कि देखो रावण तुम्हारी बुद्धि सही है, तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा मन को सही कर लो, कौन बोलते हैं हनुमान जी बोलते हैं, और ये जो सीता माता को लेकर आए हो इनको छोड़ दो, तुम बहुत यशस्वी हो, तुम महान हो, लेकिन ये जो तुम्हारा कारनामा है ये गलत है, ये तुमने गलत मतलब चरित्र को अपनाया, ये सही नहीं है। अब लगते हैं हनुमान जी उपदेश देने, तो रावण बोलता है बंदर हमको उपदेश देंगे, कौन बोलता है रावण बोलता है, क्योंकि रावण एक विद्वान था, बोलता है तुमको डर नहीं लग रहा, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया, तुमने उनको क्यों मारा, तो हनुमान जी बोलते हैं उन सबने हमको मारा तो हमने उनको मार दिया, खत्म कर दिया। तो हनुमान जी हाजिर जवाबी बोल रहे थे, खूब बहुत सो रहा था, रावण बगल में काल को बैठाया था, यमराज को भी कैद करके रखा था, बताओ जो मृत्यु को ही दासी बनाकर रखेगा तो मृत्यु उसका क्या कर पाएगी, यमराज वो था रावण समझ लो। तो मृत्यु को सामने बोलता है, कहता जाओ और हनुमान जी के बगल में खड़े हो जाओ, थोड़ा जाकर उनको डराओ, किसको बोलता है, था मृत्यु को। तो मृत्यु जब खड़ी रहती है हनुमान जी के बगल में, तो हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी से रावण बोलता है कि अब हनुमान जी बोलो, बगल में मृत्यु है, अब सोच समझ कर बोलना किससे बात कर रहे हो। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, बगल मेरे खड़ी मेरे बगल में है, देख तुमको रही है मृत्यु, हनुमान जी हाजिर जो अभी थे ना वो हमसे पूछने आई है, अभी खत्म कर दें कि बाद में खत्म करेंगे, मतलब हनुमान जी थे ना। तो रावण और गुस्से में हो गया, मतलब ये बंदर ऐसा नहीं मानेगा, मेघनाथ को आते थे तलवार निकालो खत्म करो, तो विभीषण खड़े रहते हैं, विभीषण खड़े रहते हैं उस समय, बोलते हैं कि नहीं, एक राजदूत, वो राजदूत थे ना जिसे होते हैं ना जिसे सचिव बनकर जाते हैं विदेशों में, तो वो बनकर गए थे सेक्रेटरी, अरे मतलब IFS की परीक्षा पास किए थे ना हनुमान जी, अरे इंडियन, देखो सुन रहे, इंडियन फॉरन सर्विस की जो परीक्षा पास करता है वो कहाँ जाता है, विदेश में राजदूत बनकर जाता है कि नहीं,
तो दूध बनकर आए थे, तो IFS की परीक्षा निकाले थे ना हनुमान जी, तो क्या हुआ कि दूध बनकर आए, तो दूध को मारना अलाउ नहीं है हमारे देश के, कहीं दूध जाएंगे मतलब सचिव बनकर तो उनको कोई नहीं मार सकता, वो तो मैसेज पहुंचाते हैं ना। तो विभीषण बोलता है कि आप मारिए मत, आप इनके शरीर के साथ कुछ मतलब चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन इनको ख़त्म नहीं कर सकते, आप इनके शरीर के किसी पार्ट को डैमेज कर सकते हैं कि मार नहीं सकते। तो वहीं क्या करते हैं कि एक बंदर की उसकी प्रिय चीज़ क्या होती है, पूँछ होती है। तो बोलता है रावण की इनकी पूँछ में आग लगाओ, और जब पूँछ में आग लगती है तो हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे, पूरा लंका को लंका ही पूरा तैर गए है कि नहीं, और इनकी पूँछ कहाँ घटने वाली, वो बढ़ी रही थी, वो इनफाइनाइट थी ना, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट उसका रेंज ही था। अरे नहीं समझ रहे हो, अरे वो उनका रेंज था पूँछ का ना, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बीच में कोई इंटरवल खाली नहीं था, वो हनुमान जी थे। तो क्या पूँछ में आग लगा करोगे, अब पूरा लंका को जला दिए हनुमान जी। तो रावण भी उधर कहाँ मानने वाला था, विश्वकर्मा उस समय कारीगर मिस्त्री थे, उनको फोन लगाता है, अब बोलता है विश्वकर्मा जी कल सुबह लंका बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अब सुबह बनकर लंका क्या हो गई, तैयार हो गई, रावण तो रावण था। लेकिन इधर हनुमान जी खुशी मन से लौट के आए और बोले अब समाचार हुआ, अब क्या समाचार हुआ, फिर इसके बाद जानते हो सब युद्ध होता है। तो हनुमान जी मतलब यहाँ पर इन्होंने एक बात का परिचय दिया कि लंका में जाकर उन्होंने बुद्धि का भी प्रयोग किया और बल का भी प्रयोग किया समझ लो, और इन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि किसी के अंदर अगर डर है तो उस डर को दूर किया जा सकता है, और सीता जी को विश्वास दिलाया कि हम लोग आएंगे और एक समय ऐसा होता है कि युद्ध होता है और रावण हारता है समझ लो। बच्चों क्या ही बोल रहा है यार, क्या बोल रहे हो।